बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद आबिद स्पीक्स में मैं हूं आबिद हुसैन शाह। सबसे पहले आपको रबीउल अव्वल पाक का बाबरकत महीना मुबारक हो, और इस तरह का महीना हो और फिर हमारे साथ सनाखाने मुस्तफ़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। और आज हमने मुल्क पाकिस्तान के मशहूर नात खां, जिन्होंने बचपन से ही एक नाम पैदा कर लिया और अब माशाल्लाह लड़पन इनका जा रहा है, और नातों के शहनशाह कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें से करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स भी ज़रूर देना है। तो अब बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रेहान अली कादरी, जो कि बहुत अच्छे नात खान हैं। और थैंक यू रेहान भाई कि आपने हमें आज टाइम दिया। जी, कोई बात नहीं यार। रेहान, बताइएगा कि आप अभी मुझे तो बहुत छोटे लग रहे हैं, हर इश्तिहार पे आपका नाम लिखा होता है, पूरे पाकिस्तान में आप जाने पहचाने जाते हैं, तो कब से आपको ये शौक पैदा हुआ? जी, ये मुझे बचपन से जो है ना सनाखानी कर रहा हूँ मैं, जब से मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आपको बचपन में किसी को देख के आपको ये लगा कि आप नात आप भी पढ़े, या वैसे ही गुनगुनाते थे लोग जब स्पीकर में पढ़ते हैं तो फिर आपसे भी जवाब? जो मेरे नाना है वो फैसलाबाद में जो है ना नात खान थे, उनका एक नाम था। अच्छा, ठीक है ना। तो जो मेरी दादी थे वो सियालकोट में जो है वो भी नात खान थी, बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनका ही फैज जो है यार। मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँ कि आपको विरासत में मिली है नात खान। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सी नात थी जब आपने बचपन में पढ़ी तो लोगों ने फिर इधर उधर से दूसरी मसाजिद वालों ने महफिल वालों ने कहा कि रेहान हमारी महफिल में भी आए? जी, ये मैंने अपनी जिंदगी का पहला कलाम जो रिकॉर्ड करवाया था स्टूडियो से, वो कलाम। जी, कौन सा था? ये वो तेरे दर आ गया जो भी आ मुस्तफा। अच्छा, अगर इसका शुरू का आप जो टाइटल है वो गुनगुना दें तो? जी जी, मैं गुनगुना। तेरे दर आ गया, तेरे दर आ गया जो भी आ मुस्तफा, तेरे दर आ गया जो भी आ मुस्तफा, ओम जग दे खजाने अता हो गए, तेरे दर आ गया। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताएं कि अब आपका एक नाम है, क्या कभी आपने सोचा था पहले कलाम की रिकॉर्डिंग के बाद कि जहां फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, ट्विटर होगा, सब जगहों पे रेहान कादरी का नाम होगा, कभी सोचा था आपने? जी, ये मैं पहले नहीं था सोचा, बस ये हुजूर का सदका है कि मैं मुझ फकीर पे भी ऐसा करम हुआ है कि हुजूर के सना खान इतनी इज्जतें मिलती हैं। ये देखे ना, बाहर शहर में भी आते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है। अच्छा, आज आपने वादी सोन का विजिट किया जो मेरा आबाई इलाका है, कैसा लगा आपको हमारा ये ठंडा ठार इलाका? जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इलाका ये, हम जो है सारा हमने इलाका देखा, माशाल्लाह बहुत ही हमें जो है ना ये अच्छा लगा, मजा आता है जब भी हम प्रोग्राम पे यहाँ पर आते हैं। अच्छा, कोई जो नए नात खान है बनना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? जी जी, उनके लिए यही जो है पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, फिर ही एक जो है अपना मकाम बनाएं। अच्छा, खुसूसी आज के दिन की मुनासबत से आप हमें कुछ कलाम ज़रा सुनाएं, ताकि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए और लोग वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएं, स्पेशली कोई दो एक शेर ज़रूर सुनाइएगा। जी जी, मैं सुना देता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हातिम को मोयसर, बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो तो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता। वाँ वाँ वाँ।
सुनता ही नहीं मांग रे वाला तेरा। एक चीज और मैं आखिर से कहूंगा कि जो आप नूर वाला आया आपने बचपन में पढ़ा था, मैंने आपको फेसबुक पे देखा, जरा हो जाए ना आज इस महफिल में भी। जी जी, वो मैंने तर्ज वही थी लेकिन कलाम जो है न्यू मैंने पढ़ा था, उसका जो है पढ़ते हैं। नूर खुदा दा आया ए, खुशियां नाल ले आया ए, हो गया रहमत दुनिया ते जद सोने फेरा पाया ए, नूर खुदा दा आया ए, नूर खुदा दा आया ए, खुशियां नाल ले आया ए, नूर खुदा दा आया ए, खुशियां नाल ले आया ए, हो गईयां रहमत दुनिया ते जद सोने फेरा पाया ए। और ये जो कलाम है मेरा तकरीबन जो है 3 साल पुराना है। अच्छा। तो जो मैंने ये तकरीबन 15 दिन हुए हैं न्यू कलाम रिकॉर्ड करवाया। अच्छा। तभी मैं एक चीज जो आपको सुनाता हूँ। नबी सोना आया, नबी सोना, नबी सोना आया, नबी सोना, सोना दुनिया ते आया ए, 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 दुखियां दे दुख मुक गए, दुखियां दे दुख मुक गए सारे सारे सारे, ऐसा कर्म कमाया ए, ऐसा कर्म कमाया ए, सोना दुनिया ते आया ए, सोना दुनिया ते आया ए। बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद रेहान अली कादरी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा टाइम हमें दिया और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए मेरी मदद की, खुसूसी कोऑपरेशन जनाब सैयद जुल्कर नैन हैदर शाह साहब ने, और इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया। खुश आप मेरी जान के एडमिन, फेसबुक पे हमारा पेज है और उसके एडमिन सैयद शुएब मोहम्मद शाह और हमारे भाई सैयद अदनान अली शाह की कोऑपरेशन भी हमें हासिल थी। तो बहुत शुक्रिया रेहान अली कादरी, अल्लाह ताला आपके इल्म में, हिल में, आवाज में मजीद बरकतें अता फरमाए और आप यूं ही मेरे आका की सनाखानी करते रहें। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया किसी और महफिल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।